हर व्रत और उपासना के कुछ विशेष नियम और सावधानियां होती हैं। अगर उनका ध्यान रखकर व्रत रखा जाए तो फल कई गुना ज्यादा मिल सकता है। तो आइए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत में किन बातों के ध्यान रखने से पूरी होगी आपकी मनोकामना। ये एकादशी सौभाग्य और पुण्य प्रदान करने वाली है। साल भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं और हर एकादशी का अपना अलग महत्व है। विधि विधान से अपरा एकादशी का व्रत करके आप श्री हरि की विशेष कृपा पा सकते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अपरा एकादशी पर पूजा उपासना के कुछ विशेष नियम है और सही विधान से पूजन करके आप भगवान को जल्द ही प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं अपरा एकादशी पर कैसे करें उत्तम उपासना। सबसे प्रथम स्नान करके उनकी मूर्ति को स्थापित रखिए, सामने रखें, श्री हरि की मूर्ति सामने रखें, वह जो है कागज में हो, चाहे किसी धातु की बनी हुई हो, चाहे मिट्टी की बनी हुई, किसी न किसी प्रकार की मूर्ति होना जरूरी है। होने के बाद में तब आप खोटसोपचार पूजा करिए। पूजा करने के बाद में तब उसके बाद में आप प्रार्थना करिए। प्रार्थना करने के बाद में आप कुछ जो मांगेंगे वो भी कृपा हो जाएगी। यह व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी या जलीय व्रत। निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही करना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इस व्रत में फल और जल का भोग लगाया जाता है। बेहतर होगा कि इस दिन केवल जल और फल का ही सेवन किया जाए। सावधानी यही है कि आप जल चाहिए कि आप केवल जल पी करके रहिए या बिना जल के रहिए या उसमें फल लेकर के रहिए। तो इस प्रकार से एकादशी जो आप निर्वहन कर सकें, यदि निराजल रह करके करते सबसे उत्तम है। यदि आप फलहार करके रहते तो वही जल पी के रहते तब भी है, और यदि आप फल कर खा करके रहते हैं व्रत तभी ठीक है, लेकिन सबसे उत्तम यही है निराजल। चमत्कारी शक्तियों से भरपूर है ये एकादशी व्रत। इस दिन किए गए विशेष उपाय से आपको अच्छी सेहत के साथ साथ उत्तम सौभाग्य का वरदान भी मिल सकता है। अब जानते हैं आज अपरा एकादशी पर किन चीजों से आपको बचना चाहिए। तामसिक आहार व्यवहार तथा विचार से दूर रहें। बिना भगवान कृष्ण की उपासना के दिन की शुरुआत न करें। मन को ज्यादा से ज्यादा ईश्वर में लगाएं। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उपवास न रखें, केवल प्रक्रियाओं का पालन करें। सच्चे मन से अगर इन उपायों को अपनाया जाए तो सहजता से ही मिल सकती है श्री हरि की कृपा। अपरा एकादशी का व्रत और पूजन कीजिए। नारायण आपके दुखों को दूर करेंगे।